कैसे हैं सरकार। मैं हूं आपका अपना यार, बड़ों को सलाम छोटों को प्यार, उपस्थित हूं आपके सामने फिर एक बार। इस बार मैं आपको अपनी यात्रा में लेकर आया हूं सुंदर नर्सरी। यह पार्क 90 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। दुनिया की 100 बेहतरीन जगहों में दिल्ली की सुंदर नर्सरी चौथे स्थान पर है। पेड़ पौधों की यहाँ 300 से अधिक प्रजातियाँ हैं, और अगर बात करें पक्षियों की तो चिड़ियों की यहाँ 80 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। सुंदर झील, अद्भुत नज़ारा, वाह क्या प्यारा, कितना प्यारा। सब लोग अपने मौज मस्ती में खोए हुए हैं, कोई झील के इस पार, कोई झील के उस पार, कोई फोटो खींचने में मस्त है, कोई आराम से टांग पर टांग रखकर बैठा हुआ है। वाकई सुकून के पल अगर चाहिए तो ऐसी ही शांत जगह में आना तो बनता है। दुनिया के 48 देशों में 100 स्थानों पर म्यूजियम, रेस्तरा, होटल, लाइब्रेरी और सांस्कृतिक स्थलों में टाइम मैगजीन द्वारा यह सर्वे किया गया, जिसमें दो पार्क हैं। पहला पार्क दिल्ली की सुंदर नर्सरी और दूसरा है मास्को का पार्क। जंगल में नाचा मोर किसने देखा, हमने देखा, हमने देखा, लेकिन नाचते हुए नहीं, देखते हैं कि नाचता है कि नहीं। थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा इसको, चलते हैं इसके पीछे पीछे, लगे हुए हैं, शायद हमें इसका नाच देखने को मिल जाए। तो चलिए, चल रहा हूँ मैं इसके पीछे पीछे और पीछे। ओ क्या लगता है, ये नहीं नाचेगा। दोस्तों, इस वक्त हम हैं सुंदर नर्सरी, क्योंकि बार बार मेरे मुंह से सुंदर वन निकल रहा है तो मुझे लगा कि अब भी कहीं सुंदर वन ना निकल जाए। यह है सुंदर नर्सरी, जो कि हुमायूं के मकबरे के एकदम सामने है, और काफ़ी बड़ी ये नर्सरी है। यहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने के लिए, और इसका जो टिकट है वो यहाँ पर है 50 रुपये पर बंदा, अगर वो इंडियन है। और ये रात 10 बजे तक ये नर्सरी खुली रहती है, तो हम इसमें बहुत कुछ देखने वाले हैं और आपको भी दिखाने वाले हैं कि आपको जब भी हुमायूं के मकबरे पे आए तो उसके एकदम पास में ही ये है, तो लगे हाथ इसे भी देखिए। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी टूरिस्ट प्लेस की जानकारी लेकर आता रहूँ।
और ये नज़ारा इस पार्क में रात का है, क्योंकि ये पार्क 10 बजे तक खुलता है, तो जितने भी यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं तो इस रोशनी से भरे हुए पार्क को देखकर और भी ज़्यादा प्रफुल्लित होते हैं। Thank you.